हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लाई हूँ कि जिसकी मेरे पास पहले भी बहुत रिक्वेस्ट आई थी, लेकिन उस टाइम मैं नहीं बना पाई। लेकिन आज मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ, जिससे आप जिसके घर में सिलाई मशीन नहीं है वो भी अपने लिए ये कुर्ती बना सकती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हमें क्या क्या ले चाहिए इसके लिए। हमें जिस कलर की हमारी कुर्ती है उस कलर का धागा चाहिए, और ये पतली निडल चाहिए जिससे हम इसको कुर्ती को तैयार करेंगे। और जो ये हमारी इस सुई से ये जो हमारी कुर्ती तैयार होगी, इसकी जो टांके हैं यानी जो स्टिचिंग होगी इस पे टांके द्वारा, वो इसमें कुछ अलग तरीके से होगी, जैसे हम फॉल लगाते हैं उस तरीके से, ताकि हम इसको पहने तो उधड़े ना। तो जिसके भी घर में मशीन नहीं है वो बिल्कुल भी नहीं घबराएं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी यूजफुल वीडियो लेके आई हूँ, तो जिसके लिए हमने कुर्ती की कटिंग पहले से ही कर ली है। अगर आपको कुर्ती की कटिंग नहीं आता है करना, तो आप हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने बहुत सारी कुर्ती की वीडियो अपलोड की हुई हैं। तो देखिए, मैंने इसमें कुर्ती की कटिंग कर ली है। ये मेरे दोनों पार्ट हैं, बैक और फ्रंट। और ये मैंने क्रॉप का कपड़ा लिया है, क्योंकि क्रॉप का कपड़ा काफ़ी ठंडा होता है गर्मियों में। तो ये मेरा इस तरीके का कुर्ता है, और जिसे मैं आज आपको सुई या धागे से ही तैयार करना बताऊंगी, यानी कि हाथ से ही। तो जिसके लिए हमने इसमें राउंड गला कट किया है। आप गला कोई भी अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हो, यानी कि मैंने इसकी 2.5 इंच चौड़ाई और 6 इंच लेंथ रखी है, दोनों की सेम है। और जो बाकी की कटिंग होती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास जैसे इसमें ब्लैक कलर का कपड़ा चल जाएगा, क्योंकि इसमें ब्लैक कलर का डिजाइन आया हुआ है। तो आपके पास जो भी कोई एक्स्ट्रा पीस पड़ा हो, तो मेरे पास ये ब्लैक कलर का पीस है, इसमें से हम इसका गला निकालेंगे, क्योंकि इसमें हम बुकरम का यूज नहीं कर रही हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम कपड़े को इस तरीके से फोर लेयर में करके रखेंगे, ताकि हमारे दोनों गले एक साथ निकल जाएं। ऐसे रख लेंगे इसको हम, इस तरीके से रखने के बाद, अब देखिए इस तरीके से रखने के बाद, कपड़े को फोर लेयर में करने के बाद, अब जो हमने अपना गला कट किया है उसको रखेंगे हम। अगर आपके पास कॉटन का ही कपड़ा हो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये अच्छे से हाथ से जब हम कोई भी स्टिचिंग करते हैं तो अच्छे से समझ जाता है। अब यहाँ पे बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा गले का माप है वही आपको यहाँ पे रिपीट करना है इस तरीके से। ये मैंने कर दिया है। अब जितना भी आप मार्जिन लेना चाहते हैं उसमें, 1.5 इंच का, 1 इंच का, उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल राउंड में इस तरीके से निशान लगाइए, ऐसे इस तरीके से निशान लगाइए। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये कपड़ा हमारा बचेगा, और उसके बाद ही इसे आप कहीं और भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ से भी हमारा जो एक्स्ट्रा पीस है बीच का, वो भी हम निकालेंगे। अब इसमें से मेरी दो पट्टियां निकलेंगी, यानी कि बैक और फ्रंट के लिए। ये देखिए, ये दोनों पट्टियां मेरी एक साथ निकल गई हैं। अब जो हमारे बचा हुआ पीस है इसको हम अलग कर देंगे, और जो हमारा ये सुई है इसमें ये हम रेड कलर का धागा डालेंगे, फिर उसके बाद आपको इसे तैयार करना बताएंगे। तो देखिए, मैंने धागा डाल लिया है, और धागा मैंने डबल ही डाला है, यानी कि मैंने जो ऐसा नहीं है कि एक धागा छोड़ के तब नॉट लगाया, मैंने डबल धागे में ही नॉट लगाया है, ताकि कपड़ा हमारा और मजबूत हो सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपनी कुर्ती को ऐसे सीधा रखेंगे, और जो हमारा ये गला है इसको भी हम यहाँ से ऐसे रखेंगे। अगर आपके पास सेफ्टी पिन हो तो आप उनका इसमें यूज कर सकते हो, अगर आपके पास सेफ्टी पिन नहीं है तो आप इसमें कच्चा भी कर सकते हो। तो मेरे पास सेफ्टी पिन है, तो मैं यहाँ पे 3 पिन लगा लूंगी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने 3 पिन लगा ली हैं। अब उसके बाद अब हमारा ये गला एक जगह सेट रहेगा। अब हम इसको उठाएंगे कुर्ती को, और देखिए यहाँ से पहले इस तरीके से सुई को निकालेंगे ऐसे, और फिर देखिए धागे को पहले हम ऐसे लाएंगे इस तरीके से, और फिर इसे अपनी तरफ बुलाएंगे इस तरीके से। अब हमको ये इसी तरीके से करना है कि पहले हम यहां से निकालेंगे सुई को, इससे जो हमारा कपड़ा है वो बहुत ही
अच्छा स्टिच होता है, यानी कि हमारे जो टांके हैं वो जल्दी से निकलते नहीं है। देखिए बिल्कुल ये ऐसे सिलाई होता है जैसे हम मशीन से सिलते हैं, और ज्यादा दूरी ना रखें। अब ये निकाल देंगे क्योंकि यहाँ तक हमारा सिल चुका है। अगर हम ज्यादा दूरी रखेंगे तो हमारा जो ये टांका है वो निकल सकता है। और ये आप देख सकती हैं इस साइड से भी ये एकदम से मजबूत हो जाएगा, सीधी साइड से भी बिल्कुल जैसे हमने हाथ से सिलाई मशीन से सिलाई लगाई हो। ये देखिए आपको ऐसे ही रिपीट करते हुए चलना है। ऐसे एक बार ऐसे निकाला, फिर एक बार फिर से वापस किया, फिर इसके पास से निकाला, फिर से वापस किया। तो इस तरीके से हमारे जो ये टांके हैं वो बिल्कुल बराबर आते हैं। ये देखिए मैं आपको फिर से एक बार बताई देती हूँ। अभी जैसे मैंने इतनी दूरी से निकाला, फिर से मैं इससे इतना ही डिस्टेंस दे के आगे निकालूंगी सुई को, ठीक है। फिर से मुझे क्या करना है कि इसी डिस्टेंस से थोड़ा सा आगे और निकालना है बिल्कुल। लेकिन ये आप ध्यान रखें कि जो आपका ये मार्जिन है एक्स्ट्रा वो एकदम बराबर चलना चाहिए, जैसे कि अब हमारा चल रहा है। अब हम उसके बाद इसी को रिपीट करते हुए यहाँ तक इसे पूरा करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे राउंड गले में ये टांके लगा लिए हैं। अब उसके बाद इसको हम रॉन्ग साइड को पलटेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब या तो आप प्रेस लगा के पलट सकती हैं, या फिर आप इसे, तो मैं इस पे प्रेस लगा के पहले इसको सेट कर लूंगी और फिर उसके बाद इस पे जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको उल्टी साइड को फोल्ड करूंगी। प्रेस आपको इस तरीके से करनी है कि जितना भी कपड़ा है उसको ऐसे करते हुए और हल्का हल्का आपको प्रेस लगाना है, ताकि जो हमारा ये राउंड गला है वो निकल के आए और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो उल्टी साइड को चला जाए। इस तरीके से आपको इस पे प्रेस करनी है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको हाथ से ही एकदम से सेट करके और देखिए प्रेस से इसको अच्छे से जमा दिया है। ये अब इसकी उल्टी साइड आ चुकी है। अब हमको इस पे तुरपाई कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहले जैसे हमारा ये कपड़ा है इसको हमें हाफ फोल्ड देना है ऐसे, और फिर हमको इस पे इस तरीके से तुरपाई करते हुए चलना है जैसे हम तुरपाई करते हैं अपनी हर कुर्ती के ऊपर। यानी कि आपको इसे ऐसे ही रिपीट करते हुए लास्ट तक चलना है, और जहां से भी गोलाई है वहां से आपको इसे मोड़ देना है। क्योंकि जब हम बुकरम पे बनाते हैं तो हम जो जैसे हम एक्स्ट्रा को मोड़ते हैं उसी तरीके से हमें इसमें भी ऐसे ही करना है। ये देखिए इस तरीके से। तो इसको मैं इसे ऐसे ही, देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है ज्यादा, जहां से ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए सिर्फ आपको इस पे तुरपाई करते हुए आगे की तरफ चलना है। अब आप देख सकती हैं कि मैंने इसके ऊपर तुरपाई कर ली है। ये देखिए क्योंकि सबसे मेन होता है गले को तैयार करना। अगर आपका गला फिनिशिंग से तैयार हो गया तो समझो आपकी कुर्ती भी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो गले को मैंने तैयार कर लिया है। तो ये मेरा फ्रंट गला था, और जो इसका बैक पार्ट है सेम उसको भी मैं ऐसे ही तैयार कर लूंगी जैसे इसको करना बताया, क्योंकि वीडियो फिर काफी बड़ी हो जाएगी। अब आप देख सकती हैं फ्रेंड्स मैंने ये अपना बैक गला भी तैयार कर लिया है सेम इसी तरीके से। अब उसके बाद हम इसका तीरा ज्वाइंट करेंगे। तो तीरा ज्वाइंट करने के लिए इस कुर्ती को हम ऐसे सीधा करेंगे और अपने दोनों पार्ट मिलाएंगे, यानी कि आर्म होल की साइड और इस पार्ट को भी हम सीधा रखेंगे। अब ये दोनों जो हमारे तीरे हैं इनको मैं आपको स्टिच करना बताऊंगी, आपको किस तरीके से करने हैं। ये इस तरीके से डबल धागा डालना है आपको, जैसे कि हमने गले में यूज किया था। डबल धागा डालने के बाद सबसे पहले आपको इस तरीके से जो इसका ये वाला हिस्सा होता है इसको मजबूत करना है, क्योंकि जैसे हम सिलाई से करते हैं हम यहाँ पे कई बार सिलाई लगाते हैं ताकि ये मुड्ढे हमारे खुले ना गले की साइड से। तो मैंने इस पे 4 बार टांका लगाया, अब ये कहीं भी नहीं जाएगा। अब उसके बाद फिर से ऐसे आएंगे और फिर से देखिए इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे थोड़ा सा,
ज्यादा फोल्ड नहीं करना है, जितना हमने मार्जिन लिया है उतना ही फोल्ड करते हुए इस तरीके से ऐसे और इसके ऊपर ऐसे तुरपाई कर देनी है। फिर ये एकदम से लॉक हो जाएगा, यानी कि कुर्ती फट जाएगी लेकिन आपकी ये तुरपाई नहीं हटेगी इस तरीके से। और ये सिर्फ मैंने इतना ही मार्जिन लिया है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है आपको, जितना हम नॉर्मली लेते हैं मशीन से उतना ही लेना है आपको। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा फोल्ड कर दें, ये मैं इसलिए लॉक कर रही हूँ ताकि ये इधर से भी बाजू वाली साइड से भी इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ से धागे को कट कर देंगे। फिर देखिए आप, ये बिल्कुल हमारा अच्छे से लॉक हो चुका है, अब ये कहीं भी नहीं जाएगा। आप चाहें तो जैसे ये हिस्सा निकला हुआ है यहाँ पे, इसको और ऐसे तुरपाई कर सकती हैं इस वाले हिस्से को, जिससे ये फिर एकदम से जम जाएगा। जो सिलाई मशीन भी नहीं कर सकती वो अपने हाथ से कर सकती हैं आप। और ये दूसरा आर्म होल भी मैं ऐसे ही तैयार कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं कि आपका गला और आपके मुंडे दोनों तैयार हो चुके हैं। देखिए ये कितनी फिनिशिंग के साथ हुए हैं, और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे तुरपाई कर ली, ऐसे कुछ नहीं होता इतने में। अब उसके बाद इसमें हम बाजू लगाएंगे, तो इसको हम ऐसे खोलेंगे पहले गले की साइड को खोल के, और हमने हाफ बाजू कटिंग की है इसके लिए, तो सबसे पहले हम बाजू को लगा लेंगे जो हम हाफ इंच की कटिंग देते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको ऐसे रखना है बाजू को, और पिन लगा देनी है। ये देखिए जितना हम सिलाई मशीन से लेते हैं मार्जिन, उतना ही आपको बराबर रखते हुए ऐसे पिन लगाते हुए, इसमें आपको 5 पिन लगानी है। और बिल्कुल अच्छे से बराबर करते हुए ही चलना है, जिससे थोड़ा सुई से टांके लगाने में हमें इजी हो जाएगा, बस इसलिए लगा रहे हैं। और एक पिन हम इस साइड लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने पिन से पूरा कवर कर दिया है। अब उसके बाद हम सुई में फिर से धागा डालेंगे, और देखिए जैसे हमने गले को किया था सेम उसी तरीके से हम जो मार्जिन है हमारा एक्स्ट्रा वहीं से इस तरीके से लगा के, और फिर थोड़ा सा इसे आगे ले लेंगे ऐसे। आगे लेने के बाद और फिर से हमें ऐसे ही करना है। देखिए पहले हमने इतना टांका लगाया, ठीक है, इतना टांका लगाने के बाद फिर से हम वापस आएंगे। ये अब रेड है तो आपको अब ये दिख नहीं रहा होगा, ये ब्लैक में अच्छे से दिख रहा था आपको। फिर से हम ऐसे ही करेंगे, फिर से वापस घुमाएंगे इसको इस तरीके से ऐसे। ये देखिए अब रेड है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको इसका सीधा साइड, देखिए ये सीधी साइड है, सीधी साइड से आप बिल्कुल भी नहीं पहचान सकती। देखिए ये तो वो साइड है जो पिन लगाई है मैंने, और ये वो साइड है जो मैंने अभी आपके सामने, देखिए मैं खूब खींच रही हूँ इसको, ऐसा नहीं है कि मैं खींच नहीं रही हूँ। खींचने के बाद भी आपको कहीं से भी इसमें डिस्टेंस नहीं दिखाई देगा, ये साइड जितनी भी हमारी दिख रही है ये पिन वाली साइड है, सिर्फ मैंने थोड़े से पे स्टिच किया है। तो आप अपने घर पे अपने लिए ऐसे ही बिना मशीन के, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, आप भी अपने लिए कोई भी कैसी भी कुर्ती तैयार कर सकते हो। तो इसको हम ऐसे ही वापस घुमाएंगे फिर से, और ऐसे ही हम अपनी पूरी बाजू को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमने अपने दोनों बाजू लगा ली हैं, ये वाली भी, और ये मैंने हल्की सी मेघा में कट की हैं, यानी कि ये मेघा बाजू इस तरीके से होती है कि इस साइड से कम और इस साइड से थोड़ी सी ज़्यादा। तो अब हम इनको इस तरीके से रख के और इस पे जो हमारी फिटिंग की सिलाई लगेगी उसका निशान लगाएंगे,
बिल्कुल बराबर करेंगे कपड़े को सबसे पहले, फिर उसके बाद निशान लगाएंगे। इस तरीके से करने के बाद अब जितना भी हमने मार्जिन लिया था 2 इंच, तो हम 1 इंच इस साइड और 1 इंच इस साइड पे निशान लगा देंगे। तो देखिए कुर्ती को कुछ इस तरीके से बिछाएंगे और यहाँ से इस बाजू को जितनी भी बाजू की फिटिंग है उस हिसाब से हम इस तरीके से निशान लगाते हुए आएंगे। और ये निशान मैंने 13 इंच तक लगाया, यानी कि 13 इंच से नीचे हमारे चाक खुले रहेंगे इस तरीके से। अब ऐसा ही निशान हम दूसरी साइड लगा लेंगे फिटिंग का। ऐसे अब उसके बाद अब हमें इस पे हाथ से सिलाई करनी है। तो सबसे पहले धागा डाल लेते हैं सुई में, और अब की बार थोड़ा बड़ा धागा डाल रहे हैं। सूत को ऐसे घुमाएंगे कुर्ती को, और यहाँ से ही ये देखिए ये बाजू की फिटिंग हो गई। तो यहाँ से हमको बिल्कुल पक्का करना है, यानी कि जैसे हमने अपने तीरे से पक्का किया था आर्म होल से, ताकि ये हमारा खुले ना। अब यहाँ से हम नीचे की साइड चलेंगे ऐसे, और वापस घुमाएंगे अपनी तरफ को सुई को इस तरीके से। फिर से हम ऐसे ही चलेंगे, वापस घुमाएंगे सुई को अपनी तरफ को। इससे क्या होता है कि फिर से हम आगे चलेंगे, इससे इसमें 2 बार धागे आ जाते हैं, तो जो हमारी ये सिलाई है ये खुलती नहीं है। ये देखिए हमने ऐसे ही अपने मुड्ढे के ऊपर भी ऐसे ही किया था। अभी मैं आपको कैमरा नीचे करके दिखाती हूँ, 1 सेकंड। ऐसे अब यहाँ से फिर से ऐसे ही, सॉरी पहले आपको दिख नहीं रहा था, अब मैं बताऊंगी अच्छे से। देखिए इस तरीके से फिर से लेके चलेंगे, और ये जो हमारी हाथ की सिलाई है इसके आगे हमारी मशीन की सिलाई एकदम फेल है, क्योंकि हम इस तरीके से इसमें टांके लगा रहे हैं। वो मैं अभी आपको ये कंटिन्यू यहाँ तक करके फिर दिखाती हूँ मैं आपको कि ये किस तरीके के टांके हैं। कि आप कितनी भी मोटी हैं कितनी भी पतली हैं, आप ये मत सोचना कि हमारे ये टांके उधड़ जाएंगे। अगर आपके मन में ऐसा थोड़ा बहुत वहम हो तो आप अपने वहम को मिटाने के लिए इसमें दोबारा से टाके ऐसे ही लगा सकते हैं। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 1.5 मिनट लगते हैं बस ये करने में। तो आप डबल भी कर सकते हैं इसको, जैसे हम मशीन से भी कभी कभी डबल सिलाई लगा देते हैं कि हमारे जो उधड़े ना, और कभी कभी क्या लगाते ही हैं ये। तो आप ऐसे ही हाथ से भी डबल कर सकती हैं बिल्कुल कंटिन्यू इसी के ऊपर। तो इसको हम यहाँ तक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम दिखाते हैं कि ये सिलाई किस तरीके से हुई है। अभी देखिए मैंने यहाँ तक लगा ली है। अब जैसे हम किधर गए चौक, ये देखो जैसे हम यहाँ तक आए, ठीक है। अब यहाँ से हमको वापस घुमाना है सिलाई को, ताकि हमारा जो ये चाक है ये अच्छे से मजबूत हो जाए, यानी कि इसका मुंह ना खुले इस तरीके से। एक ही सीध पे चलना है आपको, ताकि हमारा जो ये कपड़ा है वो खींचे ना। ये देखिए वापस घूमना है हमको ऐसे, यहां से डबल करके निकाल देंगे एक बार ऐसे, डबल कर देंगे कई बार, और यहां से धागे को कट कर देंगे।
अब मैं आपको दिखाती हूँ नजदीक से। ये देखिए, ये जो टांके हैं ये मेरे बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हम सिलाई करते हैं, यानी कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। और देखिए, मैं आपको अभी मैंने एक साइड ही सिली है, अब मैं दूसरी साइड से आपको खोल के दिखाती हूँ इसको। ये देखिए आप, अभी मैं आपको एक साइड पूरी ही दिखाई देती हूँ। ये देखिए, ये बाजू हो गई और ये इसका अभी आधा हिस्सा है, सॉरी, अभी इसका आधा हिस्सा है ये। देखिए, आधा हिस्सा है बिल्कुल, और लग नहीं रहा होगा आपको कि ये मैंने हाथ से किया है। अब बिल्कुल ऐसे ही हम दूसरी साइड को भी कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, मैंने दोनों साइड से इसमें फिटिंग कर ली है। अब जो इसके चाक हैं हम इनको बताएंगे आपको फोल्ड करना। और देखिए, चाक सबसे इजी है इसमें, इसमें चाक सबसे इजी है फोल्ड करने, क्योंकि आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। हम सबसे पहले निडल में धागा डालेंगे। तो देखिए, हमें क्या करना है, जैसे हमारा यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा है, देखिए यहां तक हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इतना सीधी लाइन खींच लेंगे एक, और ये हम दोनों चाक के ऊपर खींचेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब ये इस साइड से भी हम खींचेंगे, क्योंकि हमें इतना ही कपड़ा फोल्ड करना है। अब ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हम चारों, यानी कि इस साइड भी लगा लीजिए आप निशान। अब जैसे ये हिस्सा है इसका, ठीक है, पहले हाफ फोल्ड देंगे, फिर इस तरीके से फोल्ड करेंगे, सुई लेंगे और डायरेक्ट तुरपाई करेंगे। पहले साइड के चाक फोल्ड करेंगे, फिर नीचे का बॉटम। ये देखिए, बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर देखते हुए आपको कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड करना है, फिर आपको इसे ऐसे ऐसे पकड़ लेना है। ऐसे बहुत सारी जगह पे एक बार में ही तुरपाई हो जाती है, मैं हमेशा ऐसे ही तुरपाई करती हूँ, अगर इसमें वो कच्ची सिलाई ना लगी हो तो। इससे बहुत सारे एरिया पे 4-5 इंच तक सिलाई तुरपाई हो जाती है आराम से। देखिए, तो ये इसमें बहुत इजी है। तो हम ऐसे ही जितने भी हमारे चाक हैं उनको हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे नाप नाप के। तो पहले हम इसको फोल्ड कर लेते हैं पूरा। अभी देखिए, मैंने एक चाक को फोल्ड कर लिया है, यानी कि एक स्लिट को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब आपको मैं इस साइड से दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर होना चाहिए, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो खुद ही, देखिए उसने खुद ही अपनी जगह बना ली, यानी कि इतना कपड़ा अब हमें फोल्ड करना है। तो आप ऐसे ही इस साइड निशान लगा लीजिए। तो इस तरीके से आप किसी भी कुर्ती के चाक को फोल्ड कर सकती हैं। ये हमारा इस साइड आ जाएगा। तो हम बिल्कुल चारों चाक को हम स्लिट को ऐसे ही फोल्ड करके और तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल सेम मेथड से। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ डायरेक्ट तुरपाई करते हुए चलना है। अगर आपको ऐसे थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो आप पहले कच्चा भी कर सकती हैं इसके ऊपर। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कुर्ती बनके तैयार हो चुकी है। आप देख सकती हैं कि हाथ से ही हमने अपनी कुर्ती को तैयार किया है, और ये मैंने बैक में और फ्रंट में ये लेस लगा ली है दोनों साइड को। और आप देख सकती हैं कि बिल्कुल कोई नहीं बता सकता कि ये हमने हाथ से सिली है। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिनके पास मशीन नहीं है और जो कुर्ती सिलना चाहती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपका यूजफुल वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।